आपके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में कहां पर हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, बड़ी फेमस घटना है। आज जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं स्टोरीज कहीं ना कहीं लिखी गई हैं। वो कोई बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, वो सफलता की कहानियां कहीं ना कहीं लिखी हैं, हजारों लोगों ने बोली हैं, करोड़ों लोगों ने सुनी है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों से अनसुनी कहानी है। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, एक कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड था, एक जंगल में बहुत बड़ा झुंड था, उसमें बहुत सारे कुत्ते थे, और उस बहुत बड़े कुत्तों के झुंड में वो जब चल रहे थे, घूम रहे थे वहां पर, तो पास में जंगल में शेर भी थे, तो शेर का एक बच्चा खेलते खेलते शेर के झुंड से निकल के कुत्तों के झुंड में आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि मैं किस झुंड में आ गया हूं, और क्योंकि कुत्तों के भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनके झुंड में आ गया, और झुंड में आने के बाद वो उनके साथ चलता गया और उनके स्थान पर पहुंच गया। तो उसको जो शेर थे वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे कि हमारा बच्चा कहाँ गया, उन्हें भी नहीं पता लगा कि एक बच्चा गया कहाँ, काफी दिन ढूंढते रहे, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा जो शेर का बच्चा था, अच्छा कुत्ते का बच्चा ऐसे बोलते हैं, गाली दे रहे हैं जैसे, है ना भाई, मैं रियल में कुत्तों के ग्रुप सम्मान से बोलते हैं, कुत्तों के ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो शेर का बच्चा था वो चलते 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 कुत्तों के झुंड में चला गया, और धीरे धीरे उन्हीं के क्षेत्र में चला गया, वहीं वो पला बढ़ने लगा। वो जैसे कुत्ते धीरे धीरे भौंकते थे, छीन छीन के रोटी खाते थे, वो भी वैसी प्रतिक्रिया करने लगा, और धीरे 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 वो शेर का बच्चा उस कुत्ते के समूह का बच्चा बन गया। तो वो धीरे धीरे उस प्रवृत्ति में चला गया, और एक दिन शेर शिकार करने निकले, तो जब शिकार करने निकले तो उनको शिकार के लिए ना हिरन मिला, ना घोड़ा मिला, ना कुछ मिला। उन्होंने देखा एक कुत्तों का झुंड है, और इतनी मतलब भूखमरी सी फैली हुई थी, पूरे जंगल में सूखा था। तो वो शेर ने जब शिकार किया, जब अटैक किया तो बहुत सारे कुत्तों को मारा, तो एक उसमें वो भी बच्चा डर के मारे भाग रहा था, शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, शेर उसके पीछे भाग रहे थे। जैसे ही एक शेर ने उसको दबोचा, उसने कहा ये तो शेर है, फिर उसको पुचकारा, लेकिन वो डर रहा था कैसे, जैसे कुत्ता डरता है। तो डरते, वैसे कुत्ते की जगह बकरी रखना चाहिए था इसमें नाम मुझे, तो वो डरने लगा तो वो उसको पुचकारने लगा कि नहीं, हम तुझे खाएंगे नहीं, तू तो हमारी तरह शेर है। वो कह रहे नहीं, मुझे खाना मत, मुझे मारना मत। तो उसको साथ ले आने लगे, तो कह रहे कि अपने अड्डे पे ले जाके मारोगे क्या मुझे, यहीं पर मार दो अगर मारना है तो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। तो वो घबराने लगा, धीरे धीरे उसको साथ ले गए, अपने साथ रखा, उसको मारा नहीं, और वो रोज रात को सोचता था अब तो मुझे कल मार देंगे, कल मेरा शिकार कर लेंगे, कल मुझे खा जाएंगे। और शेर रोज कहते थे यार ये तो हमारा शेर है, इसको हम कैसे मार सकते हैं। तो उनमें से एक शेर जो राजा शेर था वो उसको नदी के किनारे ले गया, कह रहा पानी में झांक, उसमें पानी में झांका। तो वो भाई वो उसको तो मन में नहीं पता ना मैं शेर हूँ, मानसिकता और प्रोग्रामिंग तो कुत्ते वाली है उसके अंदर। तो वो जब शेर ने झांका तो उसने कहा, भौंका धीरे से उसमें, तो जब शेर ने भी उसमें झांका, उसने कहा दोनों को देख, अपने आप को देख और मुझे देख। उसने दोनों को देखा, शेर ने दहाड़ा, उसने कहा दहाड़, तो उसने दहाड़ मारी, तो उसने कहा कि अच्छा मैं तो शेर हूँ, तो मैं गलती से कुत्तों के ब्लॉक में चला गया था। फिर वो शिकार करने लगा, क्योंकि उसको एक प्रवृत्ति का ज्ञान हो गया, उसको एक पता लग गया कि मैं कुत्ता नहीं मैं शेर हूँ, और धीरे धीरे उस शेर ने अपने अंदर वो प्रवृत्ति जन्म ली। तो अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वो बकरी के बच्चे हैं, लेकिन गलती से जो शेर के बच्चे हैं गलती से बकरी वाले ग्रुप में चले गए। अब वो लोगों के लिए बोलने का सम्मान देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी, मानसिक प्रवृत्ति वैसी होगी जैसे समूह में आप रहेंगे। और मैंने सबसे पहले पूछा था कि नकारात्मक लोग हैं ज्यादा है सकारात्मक, पॉजिटिव लोग ज्यादा है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव लोग ज्यादा हैं। तो हमें नेगेटिव लोगों के ग्रुप से निकलकर अपने आप को पॉजिटिव लोगों के ग्रुप में ले जाना पड़ेगा। और ये कुत्ता धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति को जब समझने लगा तो इसको पता चला कि मैं कहां था और मुझे कहां होना चाहिए, वेयर यू आर एंड वेयर यू शुड बी। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्कल, सारी चीजें कोरिलेट होती हैं एक साथ, कि आप किस सर्कल में हैं तो आप वही होंगे जिस सर्कल में हैं। आपका सर्कल क्या होना चाहिए था जहां आपके सपने बने हुए हैं, तो यदि वो आपको हासिल करने हैं तो आपको अपना सर्कल चेंज करना होगा। और सर्कल चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके सर्कल के लोगों से नाता तोड़ दो, नहीं, मेक गुड फ्रेंड्स, और अच्छे नए दोस्त बनाएं, और सफल लोगों से मिलें, उनसे मेल मुलाकात बढ़ाएं। एक बार में किसी से मिलेंगे तो फ्रेंडशिप तो नहीं होगी ना, लेकिन जब उनसे आप लगातार मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, मिलने का प्रयास करेंगे, ठीक ऐसा ही होता है।
तो लाइफ में चीज़ों को परिवर्तित होते हुए देखें, उसको महसूस करें और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें और अपना सर्कल जरूर चेंज करें। और सर्कल चेंज करने का तरीका है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस मीटिंग्स में जाओ। हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस की मीटिंग है, दुनिया भर के बिजनेस वाले होंगे, मेरा वहाँ क्या काम। ऐसी बिजनेस मीटिंग्स में जाओ, शुरुआत में मज़ा नहीं आएगा लेकिन जब जाना लग जाएंगे ना, सर्कल बनेगा, तो आपका सर्कल ही वैसा डेवलप हो जाएगा। और ये बिजनेस मीटिंग्स कहाँ होती है, ऑर्गेनाइज बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस एसोसिएशन, बिजनेस क्लब्स, बिजनेस ग्रुप्स, हर जगह होते हैं। तो उस तरह की मीटिंग्स में जाओ। जैसे लेडीज जो हाउसवाइफ हैं, उनको लगता है कि यार हम उन लेडीज से क्यों मिलें जो बिजनेस करती हैं, लेकिन जब आप ऐसी हाउसवाइफ से मिलोगे जो घर बैठ के भी बिजनेस करती हैं, या ऐसी लेडीज से मिलोगे जो व्यापार करती हैं, जॉब करती हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट डेवलप होगा। आपको पता लगेगा कि हम आश्रित नहीं हैं, हम भी पैसे कमा सकते हैं, हम भी अर्निंग कर सकते हैं, हम भी अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। ऐसे लाइक माइंडेड पीपल से मिलें। अगर शेयर के बच्चे हैं तो शेयर के ग्रुप में ज़रूर आएं।